अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के मशहूर और मरूफ प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल चौधरी साहब, और उनसे मिलते हैं और उनसे मकबूज़ा कश्मीर की जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है। तो ये मामला तो 47 से ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो मकबूज़ा कश्मीर की हालत हुई है वो आज तक नहीं हुई जिस तरह 47 से लेके अब तक हुई है, क्योंकि इंडिया ने आयन जो है अपना तब्दील कर लिया ख़ास तौर पे मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से। इस वक्त उनका केस भी चल रहा है और हमारे जो मुसलमान हैं, हमारी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनके जज्बात जो हैं वो खासे जो है ना वो मजरूह हुए हैं, और आलमी इस्लाम भी ना इस मामले पे अभी तक इकट्ठी होती जो है ना नज़र नहीं आ रही। इस मामले में प्रोफेसर साहब से पूछते हैं क्योंकि ये यहाँ के बहुत ही मशहूर और मरूफ प्रोफेसर हैं, और नॉलेज के हिसाब से बताता चलूँ कि यहाँ पे पता नहीं लाखों के हिसाब से इनके स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इन्होंने तालीम से नवाजा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल चौधरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। सर, सिर्फ हमने एक ही सेगमेंट रखा है, वो है मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से। आपने बच्चों को तो बहुत पढ़ाया माशाल्लाह, आपके इस वक्त जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त फैले हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं आपका नाम है। ये मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से आप इस वक्त क्या कहेंगे? मकबूज़ा कश्मीर एक ऐसा मसला है जिस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है। वो एक पौनी पौन सदी से जुल्म और जबर का शिकार है। महकूम अकवाम हमेशा ही हाकम लोगों की जुल्म का शिकार होते हैं। यहाँ पर भी यही ऐसा ही हुआ है, जिनके हिंदुस्तान ने इस पर हमला किया, हमला करके उस पर इन्वेट किया, और वहाँ जब मुसलमानों ने रजिस्ट किया और वहाँ पर जो मुजाहदीन थे उन्होंने लड़ाई की, तो वो श्रीनगर से सिर्फ 5-7 मील दूर रह गए थे और उन्होंने काफ़ी इलाका जो है वो खाली करा लिया था। लेकिन उस वक्त भारतीय हुकूमत जो है, और ख़ास तौर पर उस वक्त के मशहूर मरूफ वज़ीर आज़म नेहरू, वो अक़वामे मुत्तहिदा में गए और वहाँ पर उन्होंने ये हक के खुद इरादियत का मसला जो था उसको कबूल किया, लेकिन आज तक वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। और फिर इन्होंने 65 में जो जंग हुई कश्मीर पर, और वो कश्मीर की वजह से ही जंग हुई थी, और उसमें शिमला मुआहदे में इन्होंने ये तय करवा लिया कि ये दो तो बाइलेटरल इशू है और इसको हम दोनों मुल्क बैठकर जो है वो हल करेंगे, लेकिन उससे भी वो आज तक अब तो ये इंडिया ये कहता है ना कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, अब तो वो उस चीज़ से भी मुकर गए हैं कि ये दो ममालिक का मसला है। बिल्कुल मुकर गए हैं, और यही उनकी खुबासत है, और वो इसी तरह उन्होंने पहले हैदराबाद तक उनको भी काबू किया था, और अब वो कश्मीरियों पर उन्होंने इतने जुल्म उठाए हैं, इतने जुल्म उठाए हैं कि उनकी फौज जो है वो चारों तरफ दंदनाती फिरती है, वहाँ पर बच्चियों की असमत दरी होती है और तशद्दुद होता है, नौजवानों को फायर करके मार दिया जाता है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने अगर आप आवाज़ उठाई है तो चाहिए कि इसको कंटिन्यू रखें और उस वक्त तक चैन से ना बैठें जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। लेकिन सर, आलम इस्लाम खामोश क्यों है इस वक्त? वो अपने उधर से हम यूए को मोदी सरकार को जनाब अवार्ड से नवाज रहे हैं, उधर हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की इज्जतें जो हैं वो लूट रहे हैं। वो हर मुल्क जो है वो अपनी मईशत के हवाले से अपने मफादात को देखता है, और वो ये नहीं देखता कि इंसानियत का क्या मसला है और इंसानी हकूक जो हैं वो क्या हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। वो ज़ालिम को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उनको चाहिए, मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो जम कर कश्मीर की कश्मीरी मुसलमानों की हमायत करें जिस तरह फ़लस्तीन की जाती है। पाकिस्तान ने भी शुरू से लेकर आज तक फ़लस्तीन की हमायत की है, वो भी सिर्फ मुस्लिम उम्मा की वजह से। तो अब मुस्लिम उम्मा को भी चाहिए कि वो कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनका दुख दर्द बाँटें और उनकी
کی آزادی کے لیے سرگرم میں عمل ہوں۔ سر اس وقت ہماری خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے، آپ اس کو خارجہ پالیسی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بلکہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں وہ اس کو صحیح طور پہ دنیا کے سامنے اپنا یہ جو معاملہ کشمیر کا ہے پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ یہ وہ کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مزید کرنا چاہیے جی، اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے وہ کرنا چاہیے، ہمارے تمام وسائل جو ہے اس کے لیے استعمال ہونے چاہیے، کیونکہ یہ انسانی معاملہ ہے اور اس وقت تک یہ حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم پوری طرح جو ہے وہ دندان شکن جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ سر یہودی لابی تو اکٹھی ہو جاتی ہے اور ان کا قرض چور ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان ممالک سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ ہم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کی درکار ہے اور وہ محنت کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس پہ کیا حکومتوں کو یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ان کا ایک ہی پلیٹ فارم بن جائے؟ جیسے بھٹو کے دور میں یہ بن رہا تھا، ایک اسلامی بلاک بن رہا تھا، لیکن ووٹوں کے جانے کے بعد اس کو کسی نے نہیں لیا، وہ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے۔ ہماری بھی کرنسی ہو، ہم اس کرنسی کے ذریعے اپنا کام کر سکیں، تاکہ اب یورو اور ڈالر ہے، جس طرح پچھلے دنوں طیب اردوغان صاحب نے، جو ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ چار پانچ ممالک پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم اپنے ہی ساری چیزیں رکھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ اعتقاد کی کمی ہے، وہ اگر کانفیڈنس اپنے آپ میں پیدا کر لیں تو ہر طاقت جو ہے وہ مروب ہو سکتی ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں اپنے مختلف حوالوں سے، اور سیاستدان جو ہیں اپنی سیاسی مفادات جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر آخری حد تک نہیں جاتے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آخری حد تک نہ جائیں۔ لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں سر؟ حکومت پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی مدد جاری رکھے، اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے پروفیسر غلام رسول چودھری صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی اور پیاری باتیں کی ہیں، کیونکہ پروفیسر صاحب کے بیانات کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ راسول نے یہی بات کی کہ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ مسلسل اور ریگولر طور پہ اور جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72۔